तो लास्ट टाइम ने डायरेक्टरी के बारे में पढ़ा, डायरेक्टरी कमांड कैसे काम करती है, जैसे डायरेक्टरी को क्रिएट करना, डायरेक्टरी को रिमूव करना या एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना। अब हम पढ़ेंगे लिनक्स के फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या काम करते हैं कि फिल्टर्स बेसिकली फाइल पे काम करते हैं, जो क्या करते हैं कि फाइल्स को क्रिएट करना, फाइल्स को शो करना या फाइल्स के किसी पार्टिकुलर डेटा को प्रिंट करना या शो करना, ये काम होता है हमारा लिनक्स फिल्टर्स का। फिल्टर्स बेसिकली फाइल्स पे ही काम करते हैं। तो फिल्टर्स क्या होते हैं, फिल्टर्स क्या करते हैं कि आपका इनपुट लेंगे, इनपुट से कोई भी आपको स्पेसिफिक डेटा जो आपको चाहिए रिक्वायर्ड है स्पेसिफिक डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कह सकते हैं ऐसे डेफिनेशन डिफाइन करें अगर, तो ये इनपुट लेते हैं, एक स्टैंडर्ड इनपुट लेंगे, उसे फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद आपको एक स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं, उसे हम फिल्टर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं फिल्टर क्या होते हैं। तो पहले फिल्टर इस कमांड में सबसे पहले ये रहेगी कि जो भी फाइल्स है वो क्रिएट कैसे होती है। तो उसके लिए जो कमांड यूज होती है उसे हम बोलते हैं कैट, CAT कैट। उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट कहेंगे या उसे ओपन एंगल कहेंगे या ग्रेटर देन साइन कैट लिखेंगे। उसके बाद फाइल का नाम लिख दीजिए। फाइल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मंथ, ठीक है, .txt। एक्चुअली हम टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं इसलिए .txt लिखा। अब एंटर कर दबाने के बाद आप इसमें फाइल का नाम लिख सकते हैं, जो भी डेटा लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये उसके बाद लिखेंगे टू और मंथ .txt, ठीक है। तो टू लाइन देखिए जनवरी फरवरी ही आया। अब बाई डिफ़ॉल्ट अगर हम ये नहीं लिखेंगे डैश एन और टू या कोई भी मान लीजिए कितनी लाइन चाहिए, तो बाई डिफ़ॉल्ट ये 10 लाइन फिट करता है। जैसे लिखेंगे हेड मंथ .txt, तो फर्स्ट 10 लाइन होगी उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट करेगा। सॉरी गलत लिख गया, मंथ की स्पेलिंग गलत हो गई, मंथ .txt, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट 10 लाइन, 1 2 3 4, इतना सारा आ गया डेटा इसमें। अब उसके बाद ये हेड क्या करता है, फर्स्ट लाइन प्रिंट करता है, मतलब फर्स्ट से लेके जितनी आप उसमें रिक्वायर्ड करेंगे। इसी तरह से फर्स्ट का हेड का उल्टा टेल होता है। टेल क्या करता है, ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है पीछे से। तो मान लीजिए हमें फाइव लास्ट टू ही चाहिए, तो डैश एन उसके बाद टू, उसके बाद लिखेंगे फाइल का नाम मंथ .txt। तो इसमें देखिए सिर्फ नवंबर दिसंबर दो ही आया। तो ये हमारी टेल कमांड है। नेक्स्ट कमांड होती है सॉर्ट, कि जो भी फाइल का डेटा है उसे हमें सॉर्ट करना है, एक सॉर्टेड ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है या न्यूमेरिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सॉर्ट कमांड। तो लिखें SORT सॉर्ट, और जो भी हमारी फाइल का नेम है वो लिख देंगे मंथ MONTH .txt। तो देखिए ये सारी फाइल हमारी सॉर्टेड हो गई है, स्मॉल ए, पिकअप डी, एफ, आई, सी, टी, इस तरह से सारी फाइल हमारी सॉर्टेड हो गई है। तो ये काम होता है सॉर्ट कमांड का। अब सॉर्ट कमांड क्या करती है, यदि न्यूमेरिकल ऑर्डर होता तो न्यूमेरिकल में कर देती, रिवर्स ऑर्डर में भी हम सॉर्ट कर सकते। तो इसके लिए सॉर्ट डैश आर, उसके बाद फाइल का नाम मंथ .txt। तो देखिए ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देगी, सॉर्ट SNMMJJJICTFDC। देखिए ये रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट हो गई है। यदि इसमें न्यूमेरिकल डेटा होता तो ये न्यूमेरिकल डेटा को भी शॉर्ट कर देती। शॉर्ट कमांड का काम यही होता है कि डेटा को शॉर्ट करना, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो शॉर्टिंग जानते हैं। नेक्स्ट कमांड है यूनिक कमांड। यूनिक कमांड का नाम है, जैसे यूनिक से मतलब होता है कि जो भी हमारी क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी लाइंस होंगी जो रिपीटेड होंगी या डुप्लीकेट होंगी, तो उनको रिमूव करके ये सिर्फ यूनिक लाइन ही प्रिंट करती है। तो इसके लिए लिखेंगे हम यूनिक। तो पहले तो देखते हैं कि जो कैट MONTH .txt, इसमें कुछ डेटा रिपीटेड है, इसमें तो कुछ डेटा रिपीटेड नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कोई दूसरी फाइल लेते हैं। तो इसके लिए पहले लिखेंगे हम यूनिक, UNIQ, ये होती है यूनिक की स्पेलिंग। इसमें कमांड की, कमांड का नाम लिखा यूनिक, उसके बाद लिखेंगे हम फाइल का नाम। तो जैसे फाइल लिखते हैं हम MOWGLI मोगली .txt। ये फाइल हमारे पास पहले से बनी हुई है, इसलिए इसमें क्या करेगा कि जो भी डुप्लीकेट लाइंस थी उनको नहीं शो करेगा। तो इसमें देखिए
जो भी आ रहे हैं सब ओरिजिनल नेम्स आ रहे हैं, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। अगर हमें देखना है कि इसमें डुप्लीकेट था कि नहीं था तो चेक कर लेते हैं कैट MOWGLI मोंगली .txt। तो देखिए इसमें डुप्लीकेट हैं, एस के डुप्लीकेट, शेर खान डुप्लीकेट है, और इसके बाद बगीरा भी डुप्लीकेट है, देखिए बन बन भी डुप्लीकेट है, टू भी डुप्लीकेट है। तो यूनिक का काम क्या होता है कि जो भी डुप्लीकेट्स लाइंस होती हैं उनको ये रिमूव कर देती है। अगर हम चाहते हैं कि डुप्लीकेट लाइंस कौन कौन सी हैं वो देखना है तो उसके लिए यूनिक कमांड लिखेंगे, यूनिक, उसके बाद लिखेंगे हम डैश यू, सॉरी यू नहीं, कैपिटल डी और फाइल का नाम MOGLI .txt। तो इसमें देखिए जो भी रिपीटेड हुई है, जैसे कि रिपीटेड हुआ है, वन वन रिपीट हुआ है, टू टू रिपीट हुआ है, तो वो आ गया है। कौन सी है जो रिपीट नहीं हुई है वो देखना हो तो उसके लिए फिर लिखेंगे हम .umongli .txt। देखिए इसमें आप लोग कहेंगे कि बघीरा तो इसमें रिपीट हो रहा है, सॉरी हाँ, इसमें नॉन रिपीटेड यूज होती हैं जो रिपीट नहीं हुई हैं। तो इसमें बघीरा एक्चुअली देखिए ये एक साथ नहीं है, ये अनऑर्डर्ड में है, मतलब तीन बर्ड के बाद में है, इसलिए इसे रिपीट नहीं कहेंगे। मतलब लाइंस की बात हो रही है यहाँ पर, बर्ड की बात नहीं हो रही है। पाइपिंग को हम डीप में पढ़ेंगे, पाइपिंग क्या होती है। पाइपिंग मतलब क्या होता है बेसिकली, कि दो कमांड को एक साथ मर्ज कर देना। तो हम पहले क्या करें, हम कि डेटा को शॉर्ट भी कर दें और उसमें यूनिक भी प्रिंट हो, तो उसमें ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट कमांड, और शॉर्ट कमांड के बाद लिखेंगे फाइल का नेम मोंगली MOLI .txt। और उसके बाद जो इसको पाइपिंग के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है उसे हम और ऑपरेटर कहते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर, इसको यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल का नाम लिख देंगे, फाइल का नाम नहीं, जो भी कमांड दूसरी यूज करना चाहते हैं, यूनिक कमांड यूज करना चाहते हैं तो यूनिक लिखेंगे। तो इसमें देखिए जो डेटा हमारा शॉर्टेड में रहेगा और अनडुप्लीकेट डेटा रहेगा, यूनिक डेटा स्टोर होगा। तो देखिए इसमें 09123 वन डुप्लीकेट था लेकिन 123 कॉमन आ रहा है, अकेला बघीरा बालू मोंगली जो भी एस के देखे तबाकी कुछ भी नहीं है इसमें, जिससे जो हमारा डुप्लीकेट हो, सब कुछ बिना डुप्लीकेट या यूनिक डेटा आ रहा है। नेक्स्ट कमांड होती है WC, WC का मतलब फुल फॉर्म होता है बाइट काउंट। ये बेसिकली क्या काउंट करती है कि हमारी जो फाइल्स है उसमें कितने करेक्टर्स हैं, कितनी लाइंस हैं और कितने बाइट हैं, ये काउंट करती है। तो लिखिए WC और मोंगली MOWGLI मोंगली .txt। तो देखिए इसमें ये बता देगा कि हमारे इसमें कितने करीब 22 लाइंस हैं, 21 करेक्टर्स हैं और 21 बर्ड्स हैं और 89 हमारे इसमें करेक्टर्स हैं टोटल, ये बताता है। नेक्स्ट कमांड पढ़ेंगे हम कि जो भी फाइल्स का डेटा है हमें सर्च करना हो, स्पेसिफिक डेटा सर्च करना हो तो हम सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कमांड यूज होती है उसे बोलते हैं grep कमांड। तो ये पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करती है हमारी फाइल से। तो इसके लिए कुछ नहीं, जैसे कमांड का नाम लिखेंगे grep, उसके बाद रहता है ऑप्शन, तो ऑप्शन लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हमें सर्च करना है, इसमें सर्च करना है BA, ठीक है, BA सर्च करना है, उसके बाद लिख देंगे हम फाइल्स का नाम मोंगली .txt। तो इसमें से BA आ जाएगा। तो देखिए इसमें BA से जो भी स्टार्ट हो रहे थे वो सारे डेटा इसमें आ गए हैं, BA। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो भी डेटा प्रिंट करना होता है, हम चाहते हैं कि उस डेटा को छोड़ के सब कुछ प्रिंट हो, केवल वो डेटा शो ना करे, तो उसके लिए जो कमांड grep ही रहेगी। उसमें एक ऑप्शन यूज होता है जिसे .-p बोलते हैं, -b। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन में उस, जैसे मान लीजिए बालू को हमें प्रिंट नहीं करना, बाकी सबको प्रिंट करना, तो बालू लिखेंगे और जो भी फाइल है फाइल का नाम मोंगली .txt, ठीक है। तो ये हमारा बालू को छोड़ के सब कुछ प्रिंट कर दिया, देखिए बालू नहीं है इसमें, बाकी सब कुछ आ रहा है। तो ये इसका वर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट होता है कि मान लीजिए जो भी हम फाइल प्रिंट कर रहे हैं वो हमारी फर्स्ट लाइन में आए, तो जैसे लिखेंगे grep, उसके बाद जो भी ऑप्शन है
इसमें बोलते हैं हम ए, और फर्स्ट लाइन में प्रिंट करनी है तो फर्स्ट लाइन, और इसके बाद लिख देंगे फाइल का नाम मोंगली डॉट txt। जैसे हम चाहते हैं कि जो अकेला वर्ड है ये फर्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ग्रेफ GREP डैश कैपिटल A1 डॉट अकेला, और उसके बाद फाइल का नेम, मतलब वर्ड पहले GREP लिखा, उसके बाद ए डैश A1 ऑप्शन है, फर्स्ट इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट लाइन, और अकेला ये वर्ड का नाम है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम जो भी टेक्स्ट का नाम है, टेक्स्ट फाइल MOWGLY टेक्स्ट फाइल का नाम डॉट txt, और प्रिंट करेंगे तो देखिए ये अकेला फर्स्ट लाइन में आ गया। उसके बाद इसके सेकंड वाला इसी तरह से रहता है इसमें, कि इसको हम चाहते हैं कि सेकंड लाइन में प्रिंट करें, तो उसके लिए फिर नेक्स्ट कमांड होती है GREP, इसमें सिर्फ A1 की जगह B1 यूज हो जाएगा यहाँ पर, डैश B1 और AKLA अकेला, और उसके बाद लिखेंगे हम फाइल का नाम MOWGLY डॉट txt, ठीक है। तो ये देखिए इसमें सेकंड लाइन में होगा। अगर इसको हम चाहते हैं थर्ड लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए फिर रहेगा C1, इसमें लिखेंगे हम कैपिटल C1 जो भी करेक्टर वर्ड है उसका नाम, उसके बाद हमारी फाइल का नाम MOGLY डॉट txt, ठीक है। तो ये देखिए ये थर्ड लाइन में हमारा सेकंड लाइन में प्रिंट होगा, उसके पहले भी एक लाइन है, उसके बाद भी एक लाइन है। तो ऐसे काम करती है हमारी GREP कमांड। नेक्स्ट कमांड होती है TAC टैक। टैक जो होती है वो हमारी कैट की उल्टी होती है, ठीक है। तो ये रिवर्समेंट डेटा देती है TAC और MOWGLY सॉरी डॉट txt रहेगा, डॉट txt। तो देखिए ये जो भी हमारा डेटा है वो रिवर्स में हो गया, मतलब मोगली फर्स्ट था लेकिन मोगली इसमें लास्ट हो गया, तो जो TAC होता है जस्ट उल्टा होता है। नेक्स्ट कमांड होती है SED कमांड। SED कमांड जो होती है वो हमारी, जैसे MS ऑफिस में हम लोग फाइंड रिप्लेस सर्च फाइंड रिप्लेस पढ़ते थे ना, तो ये वही है फाइंड रिप्लेस। तो क्या करेगा, जो भी फाइल है उसको सर्च करेगा, सर्च करने के बाद उसको दूसरे उससे रिप्लेस कर देगा। जैसे मान लीजिए हमें सर्च करना है, तो हम लिखेंगे SK को सर्च करना है, ठीक है। फिर ऑब्लिक SK को हमें बदलना है SK1 में, SK की जगह SK1 हो जाए। उसके बाद ऑब्लिक लिखेंगे हम G मीन्स होता है गो टू, और उसके बाद फिर लिखेंगे फाइल का नाम, तो फाइल का नाम हमारा MOWGLY डॉट txt है, ठीक है। तो ये हमारा बदल गया, अब देखिए SK की जगह SK1 हो गया। तो जो SED कमांड होती है ये हमारा फाइंड रिप्लेस की तरह काम करती है। नेक्स्ट कमांड होती है कट कमांड। जो कट कमांड होती है ये काम करती है हमारी, कि जो भी स्पेसिफिक डेटा है या लाइन्स है हमें काटनी है, तो उसको कट कर देता है और उसको शो करता है। तो इसमें बेसिकली कट और डैश C मीन्स करेक्टर्स। जैसे मान लीजिए हमें 1 और 5 करेक्टर को ही कट करना है, और फाइल का नाम लिख दो MOWGLY डॉट txt। तो देखिए ये सॉरी सी के साथ, यार यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा सी के बाद, डैश सी और 1.5 को प्रिंट करना है, और फाइल का नाम मोगली डॉट txt। तो ये इसको प्रिंट कर, देखिए इसमें 1.5 जिसे मोगली में जो m तो फर्स्ट है लेकिन जो L है वो पांचवा वर्ड है, इसी तरह से बघीरा में B फर्स्ट है लेकिन I जो है पांचवा वर्ड है, इसी तरह से अकेला में ये लास्ट है, इसी तरह से यहाँ पे BI बघीरा I, तबाकी में देखिए T पहला वर्ड है और Q जो है वो पांचवा वर्ड है, इससे 1.5। अगर हम चाहते हैं कि CUT कट और डैश C और फर्स्ट टू फाइव, देखिए कॉमा जो इंडिकेट करता है कि 5 और 1 को पेंट करना है, लेकिन ये लिखा हमने 1-5, इसका मतलब हो गया रेंज, मतलब जो 1 से 5 तक के जितने भी करेक्टर्स होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद फाइल का नाम मोंगली डॉट txt, ठीक है। तो ये देखिए जिसमें भी 5 मतलब फर्स्ट से लेकर 5 तक, तो मोंगली में आई नहीं आया क्योंकि आई छठवां है, इसी तरह से बागी आया, किला आया, अकेला फिक्स है, इसी तरह से देखो एस के जो 5 से छोटा है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बालू है, तबाकी में
यूआई नहीं आया, इसी तरह रक्षा में ये नहीं आया, तो ये ऐसे ऐसे काम करती है ये। नेक्स्ट कमांड है आरएम कमांड। जैसे कि डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए आरएमडीआईआर कमांड यूज होती थी, उसी तरह से फाइल्स को डिलीट करने के लिए जो कमांड यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं आरएम। उसमें डायरेक्टरी भी डिलीट होती है, उसके लिए कुछ अलग से ऑप्शन यूज करेंगे तो डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी, नहीं तो आरएम से बेसिकली फाइल्स डिलीट होती है। तो चलिए लिखते हैं rm.txt लिखेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी क्लास नाम की फाइल्स है वो हमारी डिलीट हो चुकी है। अब देखिए इसको अगर हम दोबारा से देखते हैं तो क्लास नाम की फाइल्स नहीं दिखेगी, इसमें देखिए क्लास नहीं दिखाई दे रहा, क्लास हमारा डिलीट हो चुका है, तो ये रहता है। इस तरह से इसमें rm*extension रहता है, rm*, और जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया .exe फाइल, जितनी भी .exe नाम की फाइल होगी वो सब हमारी डिलीट हो जाएंगी, पर एक्चुअली कोई exe नाम की फाइल्स इसमें है नहीं इसलिए नहीं होगी। तो अगर .txt लिख देंगे तो हमारी सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी, पर हमें सारी फाइल डिलीट नहीं करना, इसलिए हम इस कमांड का यूज नहीं करेंगे। .rm-i, आई मीन्स होता है इंट्रैक्शन या इंट्रैक्टिव, इसका मतलब ये होता है कि जो भी फाइल्स डिलीट होगी उसके पहले वो एक बार आपको वार्निंग देगा, डू यू वांट टू डिलीट दैट फाइल्स। तो जैसे मान लीजिए हम डिलीट करना चाहते हैं rm और डॉट लिखेंगे डैश आई लगा दिया और os.txt, ठीक है, os नाम की फाइल को हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो ये हमसे एक बार पूछेगा रिमूव रेगुलर फाइल्स os.txt, और इसमें हम लिख देंगे नो, तो ये क्या हो जाएगा, फाइल हमारी डिलीट नहीं हुई है। ls, अगर s लग देते तो हमारी फाइल डिलीट हो जाती, तो हमें फाइल डिलीट नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कमांड होती है कि ये हमारी डायरेक्टरी को रिमूव कर देती है, मतलब फाइल्स भी रिमूव होती है, इसमें डायरेक्टरी भी रिमूव होती है rm, और इसमें हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे इसके लिए जो ऑप्शन यूज होता है उसे हम बोलते हैं डैश r, और कोई भी डायरेक्टरी का नाम लिखिए, जैसे डायरेक्टरी लिख देते हैं हम इसमें fm लिख दिया, ठीक है fm, तो ये fm हमारी डिलीट हो जाएगी। अब देखिए देखते हैं fm इससे डिलीट हो चुकी है, fm इसमें फाइल्स नहीं है, वो सॉरी डायरेक्टरी नहीं है। तो जो डैश आर होता है इसका यूज होता है डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। इसी तरह से इसमें rm-f होता है, ये किसी भी फाइल्स को डिलीट कर सकता है, ये वार्निंग नहीं देता है कि आप डिलीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो f जो होता है वो सबको डिलीट कर देता है विदाउट वार्निंग दिए। तो f का यूज करते हैं कि जैसे कोई फाइल्स हमारी राइट प्रोटेक्टेड होती है तो उसको भी हम फोर्सफुली डिलीट कर सकते हैं, इसका मतलब ही फोर्सफुली है। इसी तरह से अब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं डैश आर और एफ, तो इसका मतलब होता है कि डायरेक्टरी भी डिलीट करनी है और फोर्सफुली सारी फाइल्स डिलीट करनी, तो ये कुल मिला के सारी डायरेक्टरी डिलीट कर देता है, तो इस फाइल से सारी डायरेक्टरी डिलीट हो सकती है। तो आप एक फाइल्स बना के ऐसा कर सकते हैं ट्राई, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होती है cp कमांड। cp कमांड का यूज होता है कि जो भी डायरेक्टरी हैं उनको कॉपी करना, या फाइल्स को एक फाइल से दूसरी फाइल्स में कॉपी करने के लिए cp कमांड का यूज होता है। तो लिखेंगे cp, जैसे हम चाहते हैं tab.txt को हमें ले जाना है os.txt में, ठीक है, तो ये हमारा कॉपी हो गया है। अब os.txt का देखिए, इसका सारा डेटा जो भी है उसका आ गया होगा, टैब में टेबल थे वैसे, तो os.txt देखते हैं os.txt, और इसमें देखिए जो डेटा है वो हमारा इसका भी आ चुका है, टैब वाले का भी, os में थोड़ा छोटा सा ही था तो टैब भी इसमें आ गई है, देखिए os में आ रहा है, यहाँ पे tab.txt आ गया है। तो ये ऐसे काम करता है। नेक्स्ट इसमें रहता है cp-r, ये क्या करता है कि डायरेक्टरी को उसकी सब डायरेक्टरी के साथ भी कॉपी कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई भी डायरेक्टरी लेते हैं, लिनक्स लेते हैं, ठीक है, cp-r लिनक्स, पहले देख लेते हैं लिनक्स में पड़ा क्या क्या है, तो cd लिखेंगे, लिनक्स लिखेंगे, तो हमें पता चला cd, अब लिनक्स के अंदर हम चले गए हैं, अब देखते हैं इसमें क्या क्या पड़ा है लिनक्स में। तो लिनक्स में पड़ा है हमारा कर्नल tab.txt, और os itself इसमें पड़ा termx.txt, इतना सारा इसमें डेटा पड़ा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि लिनक्स को
किसी दूसरी डायरेक्टरी में ले जाएं, मान लो जावा में ले जाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जावा भी देख लेते हैं, जावा में कुछ पड़ा है कि नहीं। तो इसमें लिखेंगे cd.java, जावा में हम पहुंच चुके हैं, सॉरी cd java ls। एक्चुअली हाँ, होम पे नहीं गए ना, तो हम पहले होम पे जाएंगे, फिर जावा चेक करेंगे। तो cd होम पे गए, इसके बाद हम जावा चेक करेंगे। तो cd java में जाएंगे, cd-java, cd java, जावा में चले गए। अब चेक करते हैं जावा में क्या है। तो जावा के अंदर सिर्फ os.txt है और tab.txt है। तो बेटर तरीका है कि हम क्या करते हैं, लिनक्स को जावा में ट्रांसफ़र करते हैं। तो लिनक्स की जितनी भी फाइल्स हैं, लिनक्स की फाइल्स हो या लिनक्स के अंदर जो भी डायरेक्टरी है, सारी की सारी हमारे जावा में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे, पहले तो होम पे जाते हैं, तो इसके लिए cd और tilde ऑप्शन होता है, ये हम जान चुके हैं पहले। तो इससे क्या हो जाएंगे, हम होम पे चले गए, ls, देखिए होम पे आ गए। अब क्या करेंगे, कॉपी लिनक्स को कॉपी करना है, किसमें, जावा में, जावा। और इसके लिए हमें फिर ऑप्शन देना पड़ेगा, -r लिनक्स को जावा में जाना है, ठीक है। और इसके बाद दबाया, हम पहुंच गए हैं जावा के अंदर, जो भी लिनक्स का कंटेंट था वो सब जावा में चला गया। अब चलिए जावा पर चलते हैं, जावा cd कमांड लगाया। cd का मतलब भी जो नहीं जानते जान लीजिए, cd मीन्स होता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना। तो हम cd जावा में जा रहे हैं, तो जावा में चले गए हैं। अब इसमें ls देखते हैं जावा में कंटेंट, तो देखिए जावा में जावा का अपना कंटेंट है, उसके साथ में लिनक्स भी आ गया है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो जब cp के बाद -r लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टरी अपनी सब डायरेक्टरी के साथ कम्प्लीटली कॉपी हो जाती है। तो ये काम होता है इसमें। अब हमें क्या करना है कि एक फाइल से दूसरी फाइल्स में डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम cp लिखेंगे और फाइल का नाम लिख दें, तो वो डायरेक्टरी पढ़ चुके हैं। इसके बाद है, हम चाहते हैं कि जो भी फाइल्स है वो ऑलरेडी किसी दूसरी फाइल्स में पड़ी हुई है, एग्जिस्ट है, उसका तो हम बैकअप ले सकते हैं। तो उसके लिए यूज होती है cp-backup, पहले सॉरी होम पे जाते हैं, cd-tilde होम पे चले गए, चेक करते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कि os.txt है, ये लिनक्स में भी पड़ा है, तो cd लिनक्स देख लेते हैं, ls, हाँ नहीं, tab.txt पड़ा है लिनक्स में। तो वापस जाते हैं, cd-dash से हम पेरेंट डायरेक्टरी में चले जाते हैं। हाँ, पेरेंट डायरेक्टरी में चले गए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, जो टैब है हमारा वो लिनक्स में पड़ा हुआ है, टैब जो है वो लिनक्स में पड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी फाइल्स है उसका हम बैकअप ले लेंगे ट्रांसफ़र करने से पहले, क्योंकि एग्जिस्ट ऑलरेडी, तो अपने आप बैकअप हो जाए। तो इसमें लिखें cp-backup लिखेंगे, बैकअप। उसके बाद लिखेंगे कि जो भी फाइल्स है, जैसे tab.txt ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इसके बाद जो भी डायरेक्टरी नेम है, जैसे लिनक्स में है तो लिनक्स लिखा, लिनक्स में ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, उसको उसकी बैकअप बन जाएगा। तो इसका बैकअप बन गया है। एक्चुअली लिनक्स में ये फाइल्स नहीं पड़ी है, एक तो इसका मान लीजिए जो भी फाइल्स है वो ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसका हमें बैकअप लेना है। तो हम वही cp-backup लिखा, उसके बाद tab.txt, क्योंकि ये फाइल है ये ऑलरेडी लिनक्स में पड़ी हुई है, तो लिनक्स। अब इसका क्या करेंगे, हम जैसे ही एंटर करेंगे तो ये फाइल हमारी अपने आप इसका बैकअप हो जाएगा, ये हमें दिखाई नहीं देता, बैकअप उसका बन जाता है। हाँ, यदि कोई फाइल्स कॉपी करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कॉपी करने से पहले वो उसको प्रॉम्प्ट करे, मतलब पूछे एक बार कि कॉपी करना है, तो यस या नो का ऑप्शन आए, तो उसके लिए फिर -i यूज करेंगे, cp-i, और मान लीजिए हमें कॉपी करना है os.txt को डेडलॉक में, ठीक है, डेडलॉक। तो एक बार हमसे पूछेगा वो, ios.txt cp। तो क्या होगा इसमें, ये पूछेगा, तो cp-i
और उसके बाद ओएस डॉट टीएक्सटी लिखा, उसके बाद हमें मान लीजिए इसको टैप डॉट टीएक्सटी में ट्रांसफ़र करना है, टैप डॉट टीएक्सटी में ट्रांसफ़र करना है। तो एक बार पूछेगा कि आप इसे ओवरराइट करना चाहते हैं, तो देखिए ओवरराइट टैप डॉट टीएक्सटी पूछ रहा है, यदि नो कर देंगे तो ये ओवरराइट नहीं होगा, इसलिए नहीं ट्रांसफ़र हुई। इस तरह से क्या होता है कि जो भी फाइल से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका एक लिंक बन जाए, तो वो लिंक बन जाता है, उसके लिए होता है सीपी डैश एल यही ओएस डॉट टीएक्सटी टू टैप डॉट टीएक्सटी, इसका एक लिंक बन जाएगा सीपी कैन नॉट क्रिएट हार्ड लिंक्स टैप डॉट टीएक्सटी टू टीएक्सटी फाइल एग्जिस्ट, ओ सॉरी एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर रहा है। मान लीजिए इसको टैप डॉट टीएक्सटी से हम क्या करते हैं किसी दूसरी में ले जाते हैं, इसको हम ले जाते हैं किसमें, पीएम में ले जाते हैं, पीएम में भी फाइल पड़ी है तो इसको क्या करो शुभ में ले जाओ, एस यू बी एच शुभ, तो ये उसकी लिंक क्रिएट हो गई है और इसमें शुभ में चली गई है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि जो भी फाइल्स हम ट्रांसफ़र करें उसके एट्रीब्यूट प्रिजर्व रहें, प्रिजर्व का मतलब ये होता है कि जो डेट उसकी ओनर की क्रिएट हुई थी वही डेट शो करे, तो उसे हम अदरवाइज क्या होता है कि जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो नई डेट बन जाती है कॉपी हो जाने के बाद फाइल्स में, तो यदि उसके ओनर की जो एट्रीब्यूट है उसे प्रिजर्व रखना चाहते हैं तो उसके लिए होता है डैश पी सी पी डैश पी। तो चलिए ट्रांसफ़र करते हैं, कोई फाइल्स है जैसे कि मान लीजिए टर्मक्स टर्मक्स डॉट टीएक्सटी फाइल्स है और इसको हमें ट्रांसफ़र करना है किस में, ट्रांसफ़र करते हैं जावा में, ठीक है जावा डायरेक्टरी में ट्रांसफ़र करते हैं टर्मक्स, तो जावा में ट्रांसफ़र हो गई। अब जावा में जाते हैं तो पहले तो ये देखते हैं टर्मक्स को शो करके देख लेते हैं, कैट टर्मक्स इसकी सॉरी टर्मक्स डॉट टी एक्स टी लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये टर्मक्स का डेटा है, पर हमें डेटा नहीं देखना, हमें ये देखना है कि टर्मक्स की जो डेट है वो कब की क्रिएट हुई है, तो इसके लिए एक क्या करेंगे हम एल एस लिखेंगे, एल एस में एल एस और डैश सॉरी एल एस डैश एल, तो इससे सारी जो भी फाइल्स हैं उनकी डेट आ जाएगी, टर्मक्स कब का बना है 23 मई का बना हुआ है, ठीक है। अब जाते हैं हम सी डी जावा में, जावा उसके बाद सी डी जावा में पहुंच गए हैं, एल एस देखते हैं तो एल एस में टर्मक्स है तो एल एस डैश एल, तो अब देखिए इसमें जो टर्मक्स की आ रही है कितनी 23 में आ रहा है, तो इसका मतलब जो टर्मक्स की जो डेट एट्रीब्यूट है वो प्रिजर्व रहे हैं, मतलब जो ओरिजिनल डेट है वही शो कर रही है। लेकिन अब देखिए हम जाते हैं अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में, पेरेंट डायरेक्टरी टिल्ड हाँ पेरेंट डायरेक्टरी में पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं एल एस हाँ, अब इसमें हम कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, मान लीजिए टर्मक्स को अब क्या करते हैं टर्मक्स को शुभ में ट्रांसफ़र करते हैं बिना डैश पी का यूज करे, सी पी टर्मक्स डॉट टी एक्स टी और इसको ट्रांसफ़र करना है किस में शुभ में, ठीक है शुभ में ट्रांसफ़र करेंगे तो अब इसकी जो डेट है वो बदल चुकी होगी, सी डी शुभ एल एस सॉरी टर्मक्स आ गया है इसमें, अब इस पर देखते हैं एल एक्स डैश सॉरी एल एस डैश और एल, इससे क्या हो जाएगा लार्ज डेट आ जाएगी पता है। तो देखिए टर्मक्स की जो डेट है 25 मई हो चुकी है, मतलब जो डेट है इसकी करंट डेट आ रही है, तो ये होता है कि अगर डैश पी यूज करते हैं तो जो भी फाइल्स के हमारे एट्रीब्यूट हैं वो क्या रहते हैं प्रिजर्व रहते हैं, मतलब एट्रीब्यूट जो है वो लॉस नहीं होते, उनकी जो भी ओनर की डेट है वही रहती है।